Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 12 of for the course of entrepreneurship. जैसे कि आप जानते हैं कि previous lectures में आजकल हम लोगों ने focus किया हुआ है strategy के ऊपर, तो उसी को हम लोग carry forward करते हुए आगे proceed करेंगे. Previous lecture में हम लोग देखते हैं हम लोगों ने पहले number पे क्या किया था. हम लोगों ने define किया था strategic management को, उसकी significance को understand करने की कोशिश की थी, इस चीज़ पर deliberate किया था कि इसका क्या फ़ायदे हैं और क्यों ज़रूरी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जी कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने सैर हासिल गुफ्तगू की थी. देन वी टॉक्ड अबाउट कोर कॉम्पिटेंसीज और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ स्टेप्स बताए थे. और उनमें जो पहला स्टेप था वो विजन और मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करने का था. और उसके बाद स्वॉट एनालिसिस हम लोगों ने देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये फिगर आउट करने की कोशिश की थी कि अगर हम लोग स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो किन डायमेंशंस में देखना है, अगर वीकनेसेस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है तो किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर देख नज़र दौड़ाएंगे हम लोग. अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हम लोगों ने फ्रेमवर्क डिफाइन किया था और थ्रेट्स के लिए भी. आज के लेक्चर में हम इसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे और उसके जो नेक्स्ट जो उनकी मैपिंग है उसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे. आज हम लोग जिसने मैंने गुजारिश की स्वॉट एनालिसिस के बाद, अब हम लोग एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैप करने की टेक्निक देखेंगे, दैट इज पेस्टल एनालिसिस. उसके बाद हम लोग फिगर आउट करेंगे कि की सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं, किन किन डायमेंशंस के अंदर की सक्सेस फैक्टर्स जिनसे वो एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में. उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट वन, कंपेटिटर्स जो हैं आपके, उनको आपने किस तरह एनालाइज करना है, दैट टू इन एथिकल वे. उसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे कि जो कंपनी के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जब इस्टेब्लिश किया जाता है तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती हैं इन ऑर्डर for the goals to be effective. And last but not the least, उसके बाद हम लोग मुख्तलिफ options देखेंगे strategy के, कि क्या क्या options available हैं. तीन generic strategies की हम लोग बात करेंगे. इसके बाद the previous one was not the last one, हम लोग देखेंगे कि strategies को action plan में किस तरह convert किया जाता है और controls किस तरह establish किए जाते हैं, जिससे हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि जो भी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने फॉर्मुलेट की है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने बनाए हैं, उनको जो एक्शन प्लान्स हम लोगों ने बनाए हैं, क्या वो वाकई वैलिड हैं, क्या वो वाकई अपना जो उनका मकसद था वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. अभी जी हम लोग स्टार्ट करते हैं पेस्टल एनालिसिस से. इसमें ये एक हर वक्त हम लोग ये बात हमें सुनने को मिलती है, पर्टिकुलरली इन बिजनेस वर्ल्ड, इवन आम मीडिया के ऊपर भी आपको ये बात सुनने को मौका मिलता है कि जी द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज और अब हर एक्शन वो चाहे किसी कंट्री में कुछ हो रहा हो उसका जो इम्पेक्ट है वो ग्लोबल लेवल पे आता है. अगर कहीं पे कोई वॉर हो जाती है उससे हम लोग देखेंगे टर्बुलेंस आ जाती है फ्यूल प्राइसेस के अंदर, पर्टिकुलरली अगर मिडल ईस्ट की बात करें, अगर कहीं पे टेररिज्म एक्टिविटी होती है तो उसका इम्पेक्ट भी उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आपको कई उसकी वाइब्स फील होती हैं. मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था किसी ज़माने में गुजरांवाला के अंदर, तो आई कैन स्टिल रिकॉल कि वहाँ पे एक धमाका हुआ था इस्लामाबाद में, देर वॉज सम टेररिज्म एक्टिविटी. उसके रिएक्शन के अंदर गुजरांवाला कैंपस के अंदर जो कैंटीन थी उसको बंद कर दिया गया था. एंड आई वाज जस्ट एट दैट मोमेंट रियलाइजिंग कि पेस्टल एनालिसिस इज ऑफ सो मच इम्पोर्टेंस, कि वो बंदा जो कि एक छोटा सा कारोबार कर रहा है, जिसने कभी ये रियलाइज भी नहीं किया होगा कि किसी और सिटी में जो कि उस जहाँ पे उसकी लोकेशन है उससे तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, एक एक्शन होगा और उसके रिएक्शन के अंदर जो स्ट्रेट वे जो इम्पेक्ट आ रहा होगा वो उसके बिजनेस के ऊपर आ रहा होगा. या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की बात कर लें, सोशल डेमोग्राफिक्स उनसे ना वो चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है,
नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, द वे द बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड, प्रोसीजर्स जो उनसे हैं, सप्लाई चेन है वो चेंज हो रही है, आपके इन्वायरमेंटल जो लेजिस्लेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है देन ब देन, उसके अलावा जो जनरल लेजिस्लेशन है टूवर्ड्स डूइंग बिजनेस उसको भी दिन ब दिन स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो अब इन एलिमेंट्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल वन। सो फर्स्ट एलिमेंट दैट वी वुड लाइक टू सी व्हाइल कंडक्टिंग दिस पुलपेस्टल एनालिसिस एंड देन दिस पॉलिटिकल डायमेंशन इज कि जी गवर्नमेंट टाइप क्या है और स्टेबिलिटी क्या है। जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो उसकी रिट बेहतर तौर पे काम कायम हुई होगी, वहाँ पे बिजनेस करना नस्बतन आसान होगा। अगर ये इनस्टेबल चीज़ें होगी, द गवर्नमेंट इज़ नॉट दैट स्टेबल, और ये फिगर आउट करना कि पता नहीं कल गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो उससे अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है और उससे आपका जो एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव के अंदर ही वुड नॉट टेक दैट एज अ वेरी अप्रिशिएटिव एलिमेंट। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस किस हद तक है, रूल ऑफ लॉ जो है एंड लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन। रूल ऑफ लॉ जहाँ जिन जिन कंट्रीज के अंदर ज़्यादा बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंटेड नज़र आता है, जहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसको पता है कि अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ कोई गलत लेजिस्लेशन आती है तो मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो अदालतें हैं वो हक की बुनियाद पे, इंसाफ की बुनियाद पे फैसला करेंगी, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे बिजनेस करने के लिए एज़ कम्पेयर टू सम स्पॉट वेयर रूल ऑफ लॉ को लोग इतना ज़्यादा फॉलो ना करते हों और जहाँ पे अदालतों वगैरह के अंदर भी करप्शन वगैरह हो। उसके अलावा जितनी ब्यूरोक्रेसी जो सी है उसकी नेचर क्या है, वो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है, कॉन्टेम्प्रेरी ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन का एलिमेंट कितना है, जितनी ज़्यादा करप्शन की पॉसिबिलिटी होगी उतना ही फिर बिजनेसमैन के लिए वहाँ पे बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फॉर एन एथिकल बिजनेसमैन। दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस जहाँ पे ज़्यादा होगी, अब इसके भी कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, जिन 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 बिजनेसेस ने अपने आप को एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर और अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ और ऑफ द कंट्री और जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए बिजनेस करना है, दे विल बी हैप्पी विद द फ्री प्रेस। लेकिन जो लोग प्रॉपर चैनल से प्रॉपर ट्रैक के ऊपर बिजनेस नहीं करेंगे दे मे नॉट बी वेरी हैप्पी विद फ्रीडम ऑफ प्रेस। रेगुलेशन एंड डीरेगुलेशन ट्रेंड्स, जितना कई दो दो तरीके होते हैं कि जिसमें एक तरफ गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बढ़ाती जाती है बिजनेसेस के ऊपर। अगर हम लोग अभी इसकी रीसेंट एग्जांपल लें तो वेनेजुएला के अंदर और बोलीविया में जितने भी ऑयल कॉरपोरेशंस थी जो इंटरनेशनल ऑपरेट कर रही थी उनको उन्होंने निकाल दिया है और वो पूरे का पूरा जो उनका ऑयल वाला डिपार्टमेंट था जितनी कंपनीज थी वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने ओन कर लिए, तो उसको रेगुलेट कर रहे हैं उसको ओन कर रहे हैं। और डीरेगुलेशन ट्रेंड वेयर बाय आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने एसेट्स उनसे है वो ये कंपनीज को कहती है कि इसको ज़्यादा एफिशिएंटली चलाने के लिए हम लोग प्राइवेट सेक्टर में देंगे। रेगुलेशन डीरेगुलेशन को एक और कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट किस एक्सटेंट तक रखना चाह रही है इन बिजनेस। जिस जगह पे डीरेगुलेशन ज़्यादा होगी उस जगह के ऊपर बिजनेसमैन के पास बिजनेस करने का फ्रीडम ज़्यादा होगा। सोशल एंड एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर आएगा कि जी आपके जो लेजिस्लेशन है एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट वो किस नेचर का है, उसको अंदर क्या क्या उसको राइट्स एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं उस लेजिस्लेशन के अंडर। अब सिर्फ एक चीज़ है कि जी आपका लेजिस्लेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ कुछ देर पहले हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि जी रूल ऑफ लॉ उसका एक्सटेंट कितना है, क्या वो लेजिस्लेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी हो रहा है या नहीं हो रहा।
सो दीज आर दीज आर थिंग्स दैट नीड टू बी सीन टुगेदर. उसके अलावा टैक्स पॉलिसी क्या है, ट्रेड कैसा चल रहा है, एंड टैरिफ कंट्रोल्स किस तरह के हैं. इफ द टैक्स पॉलिसी इज टू हाई, बिजनेस पीपल मे नॉट बी वेरी हैप्पी विद दैट एंड दे मे नॉट बी वेरी एनकरेज टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री वेयर द टैक्स पॉलिसी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट वन एंड देर आस्किंग फॉर टू मच टैक्स. उसके अगेंस्ट अब कई मॉडल्स और भी जेनरेट हो गए हैं. दुबई की फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उन्होंने टैक्स फ्री जोन्स बनाए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन अथॉरिटी है. वहाँ पे इफ समबडी गेट्स रजिस्टर्ड उनका जो वीज़ा का लेजिस्लेशन है वो डिफरेंट है जो जो बाकी दुबई के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दोज फ्री जोन्स जो लेजिस्लेशन अप्लाई होता है वो बिल्कुल डिफरेंट नेचर का है और उसमें टैक्स की भी एग्जेम्पशन है और उसमें फिर बिजनेसमैन जो है वो कंफर्टेबल फील करता है उस जगह पे ऑपरेट करने के लिए. एंड इट्स फॉर दैट रीज़न कि अभी भी जब गवादर की बात करते हैं तो वी गेट टू हियर कि जी वहाँ पे हमें टैक्स फ्री जोन उसको जो सा है वो डिक्लेयर करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 25 or 30 ईयर्स. जितने टैरिफ कंट्रोल्स ज़्यादा होंगे उतना बिजनेसमैन जो है वो एट टाइम्स डिस्करेज हो सकता है वहाँ पे बिजनेस करने में. लेकिन टैरिफ्स एट टाइम्स होता ही है कि बिजनेसेस को प्रोटेक्ट भी करते हैं. लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट के ऊपर टैरिफ्स वगैरह लगा लेती हैं. तो इसको यू कैन सी इट बोथ वेज दैट इफ समबडी इज ट्राइंग टू इम्पोर्ट समथिंग जो कि लोकली भी मैन्युफैक्चर हो रही है लेकिन वो एक बेहतर क्वालिटी की एक डिफरेंट ब्रांड की चीज़ जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है तो लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री टैरिफ लगा सकती है. और इस सूरत में जो इम्पोर्टर है वो तो डिस्करेज होगा लेकिन जो लोकल प्रोड्यूसर है वो इनकरेज होगा. टैरिफ कंट्रोल की एक और एग्जाम्पल बासमती राइस के केस में हम लोग देख सकते हैं. दो इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन पंजाब जो कि इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों में ग्रो होता है लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपनी लोकल राइस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको इनकरेज करने के लिए एक रिबेट स्कीम जो सी है वो ऑफर की हुई है. यानी कि अगर आप सेमी प्रोसेस्ड राइस को बासमती राइस को इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम पाकिस्तान तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्यूटी जो सी उससे एग्जेम्पशन मिलती है. सो एनीबडी यू नाउ हु इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन यूरोप उनको उनके पास ये एक क्लियर एडवांटेज है, एक क्लियर इंसेंटिव है. उसके अलावा जी एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन को अगर हम लोग एक छोटी सी पीक दें पाकिस्तान के अंदर इसमें रिसेंटली काम हुआ है जहाँ जबकि पहले एक ज़माना ये था कि अगर आप कहीं शॉप से कुछ खरीद रहे हैं और अगर वो माल ठीक नहीं मिलता, वो मटीरियल ठीक नहीं है, वो स्टफ़ ठीक नहीं है और जो एडवर्टाइज़ किया गया था या जो वो बताया गया था तो अगर आप वापस जाते थे दुकानदार के पास तो वो आपको क्लियरली कहता था कि जी ये बस जैसा है वैसे ही है, हम लोग वापस नहीं लेंगे. लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर कंज्यूमर राइट्स के ऊपर बड़ा काम हुआ है और लेजिस्लेशन वगैरह काफ़ी उसके अंदर एक्टिवेट हुआ है. इवन कंज्यूमर कोर्ट्स जो सी हैं ना वो बना दी गई हैं जिसमें अब ये प्रोविजन आ गई है कि इफ़ यू गॉट द रिसीट और अगर आपको उस ट्रांजेक्शन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, उस प्रोडक्ट से उस सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एक कंप्लेंट जो सी है वो लॉन्च कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर शॉपकीपर और दैट एंटरप्रेन्योर. और उस सूरत के अंदर उनको जो कंज्यूमर कोर्ट्स है वो उन बिजनेसमैन को भी समन करती है और अकॉर्डिंग टू द एविडेंस और जो प्ली की जाती है और जो काउंटर प्ली आती है उसके ऊपर बेस करके वो फैसला कर देते हैं. तो ये भी अब बिजनेसमैन देखेगा कि यार यहाँ पे तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन बेहतर हो गई हुई है तो यहाँ पे वी हिल हैव टू लाइक थिंक ट्वाइस कि अगर वो कोई हैंकी पैंकी करने से पहले. सो ही विल हैव टू स्टे ऑन द ट्रैक. और लाइकली चेंजेस इन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. आई मीन कभी पाकिस्तान के केस के अंदर देर आर पॉलिटिकल स्विंग्स एवरी अदर ईयर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी शायद चेंज आ रही है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, थिंग्स लाइक दैट. आगे जी मूव करते हैं एंड विल सी कि अब अगर हम पैस्टल एनालिसिस का के अंदर इकोनॉमिक्स का क्या रोल है. पहले नंबर पे
the stage of business cycle, the business that we are going to get engaged in, या जो हम लोग कर रहे हैं वो अपनी किस स्टेज पे है, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमी है वो किस कंडीशन में है. करंट एंड प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट. अगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ओवरऑल जीडीपी जो सी है, जीएनपी, वो ग्रो करेगी. जब वो ग्रो करेगी तो एक उससे एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होगी, और उसके साथ साथ फिर ये भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी बढ़ेगी, जिससे कंज्यूमर के पास नई प्रोडक्ट्स या ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने की कैपेसिटी आएगी. अगर इंटरेस्ट रेट्स जो उनसे हैं वो कम हो जाएंगे तो उससे बिजनेस के लिए बोरोइंग आसान हो जाएगी और उसके पास ज़्यादा पूल ऑफ फंड्स अवेलेबल होगा. और यही अगर इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो बिजनेसमैन उस सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा और उसके पास जो फंड्स का पूल है वो लिमिटेड होता जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट एंड सप्लाई ऑफ लेबर, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी और अगर स्किल्ड लोग भी उस अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं तो उस सूरत में द बिजनेस मैन मे बी एट ईज, क्योंकि उसके पास सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी, पॉसिबल है, और उसके पास जो भी डिमांड है वो ईजीली फिलेबल है. लेबर कॉस्ट्स, ये भी अगर आप देखें तो दे वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, इवन सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन. जो काम आपके एक सेंट्रल पंजाब के का जो लेबर है वो काम वही करता है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेज मिलती है, जबकि वही काम अगर एक और लेबर इस्लामाबाद या लाहौर या कराची में करता है तो उसको निस्बतन एक प्रीमियम लेबर जो चाहिए ना वो पे करनी पड़ती है. सो दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. उसके अलावा लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्पोजेबल इनकम की हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, उसके अलावा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है कि जीडीपी तो हमें बता रहा है कि जी ओवरऑल कितना इकोनॉमी ने जो है ना वो प्रोड्यूस करा है, लेकिन उसको जब हम लोग पर कैपिटा निकालेंगे तो दैट वुड बी द जीडीपी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे की जो इनकम हम लोगों को पर कैपिटा मिल रही है वो उसके पास उतनी उतनी ही हो. कुछ लोग, कुछ एंटरप्राइजेस बहुत ज़्यादा उनके पास कैश कंसंट्रेटेड होगा, फंड्स कंसंट्रेटेड होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो कि लोअर एंड के ऊपर भी सिर्फ वेजेस के ऊपर गुजारा कर रहे होंगे, एंड देयर विल बी अ मिडिल क्लास एंड ऑल अकॉर्डिंगली. तो ये भी देखने वाली चीज़ है कि एक तरफ इनकम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके पास कोई डिस्पोजेबल कैश भी है कि नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीडीपी तो ग्रो कर रही है लेकिन वो सारे का सारा जो ग्रोथ है और जो फंड्स जनरेट हो रहे हैं वो सारे के सारे टॉप के 5% या 10% लोगों के पास कंसंट्रेटेड हैं. उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब WTO का जिक्र यहाँ पे करना इम्पोर्टेंट होगा, जिसके साथ अगर आप साइन अप करते हैं WTO के लिए तो उसके बाद फिर आपको अपने जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको बतदरीज कम करना होता है, बतदरीज ख़त्म करना होता है, और आपको इनक्रेज करना होता है कि जी आपकी प्रोडक्ट्स को दूसरी मंडियों तक रसाई मिलेगी और दूसरों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो टैरिफ फ्री अल्टीमेटली आपकी कंपनी, आपकी कंट्री के अंदर आना शुरू हो जाएंगे. तो उसका क्या इम्पेक्ट होगा इसके अंदर, अगर हम लोग एग्जाम्पल कारों की लें, लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं हमारे, टोयोटा यहाँ पे असेंबलिंग कर रहा है, सुजुकी कर रहा है, होंडा कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि बाहर से भी कार्स इंपोर्ट होती हैं. जो ही ड्यूटी कम होती है तो वही वाली प्रोडक्ट्स जो चाहिए, बल्कि बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स निस्बतन कम प्राइस के अंदर हमें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं. तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और जहाँ पे अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ से तो देर इज़ अ ह्यूज चैलेंज ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस, कि अगर उसकी जो प्रोडक्ट्स जिनमें वो डील कर रहा है उसके सब्स्टिट्यूट्स ईजीली इम्पोर्ट किए जा सकते हों तो उसका बिजनेस के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा.
इसकी एक एग्जांपल शू इंडस्ट्री की अगर आप लें, देर वर सो मैनी कॉटेज इंडस्ट्रीज जो कि शूज़ वगैरह और जूते वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे थे, लेकिन जब से चाइना की जो इम्पोर्ट्स हैं वो इजी हो गई हैं, कंफर्टेबल हो गई हैं, अमीबली जिस तरह हमारे रिलेशंस चल रहे हैं, तो अब हुआ ये है कि उस इम्पोर्ट ने जो लोकल हमारी इंडस्ट्री थी उसको ऑलमोस्ट ख़त्म करने के दाने पे पहुंचा दिया है। सो ग्लोबलाइजेशन कैन हैव वेरी सीवियर इफेक्ट्स, एंड वेन एवर वी स्टार्ट एनी बिजनेस वी शुड टेक दिस थिंग वेरी वेरी सीरियसली। उसके अलावा जी, लाइकली इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड अदर चेंजेस ऑन द इकोनमी, टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ रहा है, और लाइकली चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आउटलुक कैसी है हमारी इकोनॉमी की, कि बेहतरी की तरफ जा रही है, डिक्लाइन की तरफ जा रही है, या जिस तरह है उसी तरह आगे ड्रैग हो रही है। सोशल एस्पेक्ट्स में वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल एस्पेक्ट्स, कल्चर किस तरह का है, हेल्थ कॉन्शियसनेस, लोगों की रियलाइजेशन क्या है टूवर्ड्स देयर ओन हेल्थ, कितने कॉन्शियस हैं वो इस चीज़ के, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट्स क्या आ रहे हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यंगस्टर्स कितने हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो कितने हैं। मतलब अगर पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं अंडर 20 की एज की जो हमारी सेगमेंट है वो उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। यही अगर आप जापान को लेंगे तो वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं उनकी तादाद कम है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बिकॉज़ वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन पे। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है आपका, एटीट्यूड टू वर्क, मैनेजमेंट स्टाइल, स्टाफ एटीट्यूड, अगर मैनेजमेंट स्टाइल की अगर हम लोग इसको टेकअप करें तो एक तरफ ट्रेडिशनली ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल्स के ऊपर कंपनीज रन हो रही होती हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे कॉन्टेम्प्रेरी मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं वो इन्वॉल्व की जा रही हैं, वहाँ पे समहाउ कोलाबोरेटिव और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल की बात करती हैं, वहाँ पे टीम्स के यूजेज के ऊपर जो उनसे है उन जोर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ कहीं और काम कर रही है वो हर जगह पे काम करे, देर इज़ नो नथिंग लाइक के वन साइज फिट्स ऑल। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे आपने बिजनेस ऑपरेट करना है वहाँ पे लोगों का एटीट्यूड क्या है, आर द पीपल रियली दैट मोटिवेटेड टू गेट वर्क, और इज इट जस्ट अबाउट के जी वी जस्ट नीड टू वर्क एंड गेट आवर वेजेस। क्या आपकी वर्क फोर्स जहाँ पे आप ऑपरेट करने चाह रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं उनकी वर्क जो वर्क फोर्स है वो इज आर दे एजुकेटेड, आर दे विलिंग टू अपग्रेड देमसेल्व्स, आर दे विलिंग टू इम्प्रूवाइज ऑन देमसेल्व्स, और स्टाफ का एटीट्यूड क्या है, एजुकेशन उस सोसाइटी के अंदर कैसी है, किस लेवल तक की है, जो ऑक्यूपेशंस हैं वो ट्रेडिशनली किस तरह के हैं, क्या ज़्यादातर लोग एग्री बेस्ड बिजनेसेस के अंदर तो नहीं है या एग्री बेस्ड जॉब्स में तो नहीं है, जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कैसी है, क्या वो बहुत ज़्यादा कमा पा रहे हैं या उनकी अर्निंग कैपेसिटी ऐसा तो नहीं कि कम है। अगर अर्निंग कैपेसिटी कम होगी उस सूरत के अंदर बिजनेसमैन को लेवरेज मिलेगा, वो उसके ऊपर फायदा उठा सकते हैं। देन वी हैव गॉट लिविंग स्टैंडर्ड्स, कि ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, जितना हाई लिविंग स्टैंडर्ड होगा उसके लिए फिर बिजनेस को अकॉर्डिंगली अपने जितना भी एचआर के प्लान्स हैं वो और कंपनसेशन है उसके मुताबिक रीएडजस्ट करने पड़ेंगे। देन एथिकल इश्यूज, अब कुछ कंट्रीज हैं उसके अंदर अगर आप इफ यू गो अनएथिकल थिंग्स लाइक द टाइड सिंपली गेट्स अगेंस्ट यू, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोका कोला ने अपना एक मिनरल वाटर डसानी के नाम से यूके में इंट्रोड्यूस करवाने का इरादा किया, इट वाज बैक इन 2004, एंड आई कैन स्टिल रिकॉल आई वाज वर्किंग इन अ स्टोर देयर एट दैट टाइम, और हमारे पास उनके पैलेट्स और बड़े बड़े ढेर आए हुए पड़े थे स्टॉक रूम में, और अगले दिन वो प्रोडक्ट जो सी थी उसने शेल्फ को हिट करना था, एंड वाइल आई वाज ऑन माय वे टू माय जॉब तो रास्ते में मैं उनके बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखता हुआ आ रहा था, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार ये कोका कोला वालों ने एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो सी है वो लॉन्च की है। लेकिन उससे अगले दिन जबकि हम लोगों ने उसकी शेल्फिंग करनी थी
जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसके अंदर कोका कोला ने उस प्रोडक्ट को रिकॉल कर लिया। और उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो वहाँ के प्रेशर ग्रुप्स थे, कंज्यूमर ग्रुप्स थे, उन्होंने कहा कि ये लोग लंदन का जो पानी जिसके लिए हम लोग वाटर टैक्स देते हैं उसी उन्हीं टूटियों से निकाला गया है, उन्हीं सोर्सेस से लिया जा रहा है, उसी को प्रोसेस करके हमें एक प्रीमियम प्राइस के ऊपर दिया जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रेशर ग्रुप, अकॉर्डिंग टू दोज कंज्यूमर्स, दिस वॉज नॉट एथिकल। और इस चीज़ को कोका कोला ने बाय किया और उन्होंने जो इतना ज़्यादा ख़र्चा किया हुआ था अपने लॉजिस्टिक्स के ऊपर, अपनी इन्वेंटरी डेवलपमेंट के अंदर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, प्रमोशन के ऊपर, वो सारे का सारा उन्होंने एज ए लॉस इनकर करते हुए अपनी प्रोडक्ट को शेल्फ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। डाइवर्सिटी कितनी है आप जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं? अगर आप यूके के अंदर जाएंगे, लंदन में, यू मे कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और वहाँ पे जब आप एक जॉब के लिए एडवर्टाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको 10 किस्म के नेशनैलिटी के लोग, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट सोसाइटल वैल्यूज, डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट पैराडाइम्स के साथ हैं, वो आपको उनको डील करना पड़ेगा। जबकि अगर आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे आपको शायद डाइवर्सिटी उस एक्सटेंट की ना मिले। इमिग्रेशन के क्या ट्रेंड्स हैं? लोग कंट्री छोड़ के जा रहे हैं या लोगों का कंट्री के अंदर वापसी है या यहाँ पे कंसंट्रेशन हो रही है? मसलन अगर अब पाकिस्तान की बात करें तो देर इज़ अ ह्यूज ट्रेंड ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड। जितना जो भी स्किलफुल बंदा होता है उसकी कोशिश ये होती है कि उसको बेहतर सैलरी मिले एंड ही वॉन्ट्स टू गो, मोस्ट ऑफ द लर्नर पीपल they want to go abroad to make good living and for those countries जहाँ पे पाकिस्तानी जा रहे हैं उनके लिए एक ट्रेंड ये है कि जी लोग यहाँ पे आते हैं who are skillful, who are educated, who are well versed in the language, लिहाजा उनके लिए यही फैक्टर एक डिफरेंट व्यू रखेगा। एथनिक फैक्टर्स कैसे हैं? रिफ्ट्स तो नहीं हैं, कोलाबोरेटिव हैं, जो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं वो आपस में किस तरह मिलजुल के रह रहे हैं, उनकी आपस में बनती है, बिगड़ी हुई है, जो रिलीजस का फैक्टर्स हैं, रिलीजन का इम्पेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, ये भी आपको देखना होगा। अगर रिलीजन की एग्जाम्पल लें, जब कोई मल्टीनेशनल आती है दे हैव टू लुक इनटू दिस मैटर वेरी सीरियसली कि यूजली द बिजनेसेस आर सीन एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पोलिटिकल एजेंडा by some people, और उनको accordingly मसला कहीं कुछ और होता है और as a reaction जो local business outlets हैं उन international chains की उनको जला दिया जाता है, इस तरह के जो से repercussions देखने में आते हैं। उसके अलावा media के views क्या हैं, जो laws कौन से change हो रहे हैं जो कि social factors को affect कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स किस तरह से हो रही हैं, पब्लिसिटी जो सी हैं वो कौन कौन से मेथडोलॉजी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, जो प्रमोशनल टेक्निक्स और जिस तरह के एडवर्टीजमेंट शायद आप यूरोप या अमेरिका के अंदर चला सकें वो अकॉर्डिंग टू द लोकल स्टैंडर्ड्स, लोकल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ शायद उस तरह से हर जगह पर इंट्रोड्यूसेबल ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप डेमोग्राफिक्स देखेंगे कि एज का क्या ट्रेंड है, जेंडर जो है उसका ब्रेक डाउन क्या है, रेसेस कौन सी हैं, फैमिली साइज जो है वो किस तरह के। अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो अगर 20-25 साल पहले वी यूज टू हैव दोज जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसके अंदर तमाम लोग एक ही बंदे को आके अपनी तनख्वाह पकड़ा रहे होते होते थे और उसके बाद वही बंदा रिस्पॉन्सिबल होता था तमाम लोगों के नान नफके का और वो खाने का सारा अरेंजमेंट, गंदम का अरेंजमेंट, सब्जी का अरेंजमेंट, गोश्त का अरेंजमेंट, उस अकेले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। लेकिन दैट इज़ नो मोर द केस। अगर आज के केस में देखें सेटेलाइट फैमिलीज का जो है वो ट्रेंड बन गया है कि छोटे छोटे यूनिट्स जो उनसे हैं वो बन चुके हैं, लोग अब इंडिपेंडेंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन कि वो इकट्ठे एक जगह के ऊपर रहें। इसमें भी कई फैक्टर्स हैं बट लेट्स कीप आवर फोकस ऑन नाउ कमिंग टू द
टेक्नोलॉजिकल साइड देखने वाली चीज़ ये होगी कि जी आपकी रिसर्च फंडिंग जो है वो किस नोयत की है, कंट्री कौन सी है जिसमें आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं, वो कितनी वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग हो रही है रिसर्च के अंदर। अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लें, एग्रीकल्चर के अंदर वी हैव गॉट पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, वी हैव गॉट नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जिसके अंदर जो आला पाए के साइंटिस्ट हैं वो अपनी अपनी फील्ड में, बॉटनी में, जूलॉजी के अंदर, पोल्ट्री फीड में, पोल्ट्री में, हर बंदा अपनी अपनी फील्ड के अंदर रिसर्च कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू कम अप विद बेटर क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल आई नो समबडी हु हैड डन हिज पीएचडी इन मसूर की दाल एंड ही हैज कम अप विद अ वैरायटी ऑफ मसूर की दाल जिसके अंदर 6-7 बीमारियां जो कि जेनेरिकली उस दाल को लगती हैं, उससे उसके अगेंस्ट सेल्फ रेजिस्टेंस का एलिमेंट उसने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ। तो उस लिहाज से जब आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर डील करेंगे तो जब आप एनालिसिस करेंगे यू विल सी कि जी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर किस तरह की रिसर्च हो रही है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है, लेजिस्लेशन कैसा है जो प्रोटेक्शन मिल रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और किस हद तक मिल रही है, न्यू डिस्कवरीज जो हैं वो आपके जो बिजनेस है उसके रिलेटेड कौन कौन सी हो रही हैं। अनदर थिंग दैट यू विल बी लुकिंग इन वाइल कंडक्टिंग द टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस एज पार्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सटेंट क्या है, इंटरनेट जो है उसकी जो एक्सेस है, ग्लोबल और लोकल कम्युनिकेशन वो किस हद तक आपके जो टारगेट है एरिया जहाँ पे आप बिजनेस ऑपरेट करना चाह रहे हैं, जो जहाँ जहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं उनकी क्या एक्सटेंट है टेक्नोलॉजिकल यूसेज का, टेक्नोलॉजी एक्सेस जो है, लाइसेंसिंग, पेटेंट्स, पोटेंशियल इनोवेशंस, ये भी एस्पेक्ट्स होंगे। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करने के क्या क्या जो है वो पोटेंशियल्स बन रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑल टुगेदर रेडिकल टेक्नोलॉजिकल चेंज आया जिससे जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो एक बड़ा सीवियर किस्म का कॉस्ट एडवांटेज या क्वालिटी एडवांटेज जो है वो पिकअप कर लें और हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको हमें रिडंडेंट हो गया है, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो कि टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स में देखेंगे। और उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स जो हैं वो किस एक्सटेंट हैं, वो किस हद तक हैं, वो कॉन्टेम्प्रेरी हैं, वो ट्रेडिशनल हैं, या इफ देर इज अ मिक्स, एनर्जी का यूजेज उनसे है वो किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर इट्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जी घर में गैस का कनेक्शन लगेगा, बट इफ़ यू गो टू मिडल ईस्ट आई मीन देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ए पर्टिकुलर इन UAE आई कैन टेल यू कि जी घर में आपका जो उनसे है वो गैस का कनेक्शन है, एवरीबडी इज़ यूजिंग सिलेंडर्स। तो वो वहाँ पे अब जो बंदा इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएगा या उसको इसके यूजेज के तौर पे उसकी अगर कोई प्रोडक्ट है तो ही विल हैव टू सी कि सप्लाई क्या है और जो स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे एनर्जी का, सोर्सेज कितने हैं उस एनर्जी के लिए, फ्यूल्स किस एक्सटेंट तक अवेलेबल हैं, और उसके अलावा जो रिसाइकलिंग है उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यूरोप के अंदर वो लोग जो वेस्टेज है, जो कूड़ा करकट है उसको भी रिसाइकल करते हैं, कैन स्टिल रिकॉल के वहाँ पे बिन्स पड़े हुए होते हैं कि जी इस बिन के अंदर आप अपने शीशे की सारी चीज़ें डालें, इस बिन के अंदर आप प्लास्टिक की चीज़ें डालें, इस बिन के अंदर आप पेपर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डालें, इसमें आप जो रबर वगैरह की प्रोडक्ट्स हैं वो डालें। वो अकॉर्डिंगली कस्टमर्स जो हैं वो यूजर्स जो हैं वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं और आगे वही चीज़ें जब रिसाइकलिंग प्लांट के अंदर जाती हैं उन्हीं से वो एनर्जी भी बना रहे हैं और बेहतर तौर पे उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, रिसाइकल भी कर रहे हैं। इसके बाद जी लीगल एस्पेक्ट्स हैं, लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर वी नीड टू सी के जी करंट होम मार्केट लेजिस्लेशन क्या है, फ्यूचर ट्रेंड्स किस तरह के आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान के केस में देखा जाए तो आर गवर्नमेंट इज़ करेंटली एमिंग एट यू नो वाइडनिंग द टैक्स नेट, तो उसके लिए लेजिस्लेशन चेंजेस वगैरह आ रही हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट वन वुड लाइक टू सी। इंटरनेशनल लेजिस्लेशन जो सी है वो किस एक्सटेंट तक आ रही है, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर आप उसकी मेम्बरशिप लेते हैं तो देर आर सर्टन क्लॉजेज जो कि आपको साइन अप करना पड़ता है कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं
for a government or for a country to get signed up with that particular UN organization. तो वो वाले लेजिस्लेशन आप पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम कंट्रीज अपने लेजिस्लेशन वैसे भी इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं. रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो किस तरह की हैं, प्रोसेसेस किस तरह के हैं. रेगुलेटरी बॉडी फॉर एग्जांपल पीटीए है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जो कि रेगुलेट कर रही है आपके मोबिलिंक को, पीटीसीएल को, यूफोन को, वारिद को, जोंग को, और उसका प्रोसेस किस तरह से चल रहा है. एनवायरमेंटल रेगुलेशंस किस तरह के हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉ किस तरह का है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो किस एक्सटेंट तक है, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस भी हो सकते हैं. मसलन अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर टोबैको इंडस्ट्री की बात करें तो टोबैको इंडस्ट्री के अंदर अब इट्स अ लेजिस्लेशन कि वो टीवी के ऊपर एडवर्टाइज नहीं कर सकते, एंड इट्स फॉर दैट रीजन कि उनको अब अपना जो प्रमोशन का फोकस है वो ऑल टुगेदर मीडिया से हटा के नाउ दे हैव स्विच टू स्मार्टर टेक्निक्स, और जो उनके अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन टेक्निक्स बनती थी उनके ऊपर उन्होंने स्विच किया है. कंपेटिटिव रेगुलेशन कैसी है कि आपकी मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी वगैरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है वो किस हद तक आप इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस को. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इफ़ यू ट्राई टू मैप आउट योर कंपेटिटर्स और आप उनको निकालने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट्स को लोअर प्राइस के ऊपर मार्केट में डंप करते हैं, तो उसके अगर ऐसा कोई करता है तो उसके रिएक्शन में क्या होगा. तो वो वाले रेगुलेशंस भी देखने की ज़रूरत है कि जब हम जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे कंपेटिटिव रेगुलेशंस कैसे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर एनवायरमेंटल, कि हाउ पीपल परसेप्शन एंड रिएक्शन टू एनवायरमेंटल इशूज कैन इफेक्ट अ बिजनेस. दिस इज़ अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम जो कि यूजली पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलर इग्नोर होता हुआ देखा है. कई मीडिया रिपोर्ट्स भी आपने शायद देखी हो जिसमें रावी के बारे में बता रहे थे कि उनके इर्द गिर्द जितने भी लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको अंदर कुछ सीवियर किस्म की बीमारियाँ जो सी हैं वो सिर्फ इस वजह से आ गई हैं क्योंकि जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो रावी के अंदर बहाया जा रहा है. फैसलाबाद के अंदर आई वॉज वर्किंग फॉर टेक्सटाइल यूनिट, उसके अंदर भी जो लोकल जो वेस्टेज था उनका डाइंग यूनिट के अंदर जिसके अंदर कपड़ा रंगते थे वो सारे का सारा वो बाहर बहा रहे थे. तो अब हुआ ये कि अल्टीमेटली अ कस्टमर जिसको वो इंटरनेशनल कस्टमर था बाहर का था उसने अपना एक ज़ाबता इखलाक बनाया और इस कंपनी को कहा कि हम अब आपके साथ अगर आप हमारे साथ अगर बिजनेस करना चाहते हैं अगले 3 साल के बाद हम लोग चेक करेंगे, विद इन 2 to 3 years आप अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं. तो जब ये प्रेशर कस्टमर से आया तो दिस कंपनी अपग्रेडेड इटसेल्फ एंड इंस्टॉल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. लेकिन उससे पहले डायरेक्टली जो इफेक्ट था वो इर्द गिर्द के लोकल रेजिडेंट्स को फील करना पड़ रहा था. यहीं जहाँ पर कभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगता है, जब कोई बिल्डिंग बनती है तो वहाँ की जो एक इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है. तो दिस इज समथिंग जो कि अब इम्पोर्टेंस जो है वो गेन कर रही है. एंड वेन एवर वी आर डूइंग एनी बिजनेस वी नीड टू मेक श्योर के हम लोग इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशंस हैं उनकी कंप्लायंस में हों. सो दैट कंक्लूड्स आवर पेस्टल एनालिसिस. इसमें हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली आज अभी देखा है कि जी पोलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो उनसे हैं वो किस तरह से इम्पेक्ट करते हैं एक बिजनेस को. नाउ मूविंग ऑन टू आवर स्ट्रेटजी क्वेस्ट, लेट्स टॉक अबाउट जो कि हमारा स्टेप नंबर 4 था, आइडेंटिफाइंग की सक्सेस फैक्टर्स. सो व्हाट आर द की सक्सेस फैक्टर्स? दीज आर द कंट्रोलेबल variables that determine the relative success of market participants. The key to unlocking the secrets of competing successfully in a particular market segment. ये वो factors हैं, ये वो minimum capabilities हैं जो कि आपको एक particular industry के अंदर survive करने के लिए चाहिए होंगी, और इसके मुख्तलिफ industry के मुख्तलिफ key success factors हैं, उनके ऊपर नजर दौड़ा दें. कुछ इंडस्ट्रीज में
जो आपकी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड की सक्सेस फैक्टर्स हैं, यानी एक्सपर्टीज इन रिसर्च. अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन इज़ वन थिंग, लेकिन उनकी आपस में कंपटीशन इस चीज़ का है कि जी नई ड्रग्स कौन कितनी जल्दी बना रहा है और कितनी अच्छी बना रहा है. सो इन वन एरिया ऑफ की सक्सेस फैक्टर्स कुड बी द एक्सपर्टीज इन रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एंड के ऊपर एक आपका की सक्सेस फैक्टर इस्टेब्लिश हो सकता है. या ये भी हो सकता है कि जो आपके की सक्सेस फैक्टर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हों, यानी एबिलिटी टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अगर हमारे फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा हैं तो हम लोग अपनी प्रोडक्शन इस तरह से करें कि वेरिएबल कॉस्ट भी जो सी हमारी वो कम होती जाए और अल्टीमेटली हम लोग इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करें कि जो फिक्स कॉस्ट है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर जब डिवाइड हो तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो बहुत कम हो एज कम्पेयर टू कंपेटिटर्स. क्वालिटी कंट्रोल इज अनदर एस्पेक्ट जो कि एक की सक्सेस फैक्टर है. अगर हम क्वालिटी की एग्जाम्पल लें तो इस सूरत में आप टोयोटा की बात कर लें, देव गॉट वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द क्वालिटी. जापानीज आर नोन फॉर देयर क्वालिटी कंट्रोल एंड आई लेट मी रिमार्क के इट वॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जबकि उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, एंड दे आस्क्ड फॉर द क्वालिटी गुरुज फ्रॉम अमेरिका टू कम एंड टीच देम हाउ टू मैनेज क्वालिटी. और इट्स फॉर दैट रीजन के एज अ नेशन, उनकी इंडस्ट्रीज की बात हो अपनी जगह पे, एज अ नेशन वी नो के इफ इट इज़ अ जापानीज प्रोडक्ट इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट. सो क्वालिटी कंट्रोल जो है इटसेल्फ एक की सक्सेस फैक्टर हो सकता है. हाई यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैन बी की सक्सेस फैक्टर. इसके अंदर हम लोग एयरलाइंस की एग्जाम्पल लेते हैं. जहाज़ वो है जो कि खरीद लिया गया है, उसको आप बेशक दिन में दो दफ़ा उड़ाएं, या अगर आपकी बिजनेस मॉडल इस तरह का है कि आप उसको तीन दफ़ा या चार दफ़ा उड़ा सकते हैं, सो द फिक्स कॉस्ट आर देयर, दे आर द सेम. सो अगर आप वही एसेट उसको हाई यूटिलाइजेशन करने के काबिल हैं तो ये भी आपका की सक्सेस फैक्टर है. लो फ्रिल एयरलाइंस जिसका हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ईजी जेट है, रायन एयर है, जेट ब्लू है, ब्लू जेट है, तो ये लोग वही एयरक्राफ्ट जो कि दूसरी ट्रेडिशनल एयरलाइंस भी यूज़ कर रही हैं, ये लोग उनको ज़्यादा फ्लाई करवा के अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं और अपने जो फिक्स एसेट्स हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं. एक और एस्पेक्ट जिसके अंदर जो कि की सक्सेस फैक्टर हो सकते हैं वो हाई लेबर प्रोडक्टिविटी है, यानी आपका लेबर जो है अगर उसके जो आवर्स देखा जाए तो वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर आपका कंपेटिटर का जो लेबरर है वो 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन इम्प्रोवाइज अपॉन एंड इस्टेब्लिश एज योर की सक्सेस फैक्टर्स. क्योंकि आपकी जो आई एम एज्यूमिंग कि जो लेबर कॉस्ट है वो दोनों बिजनेसेस के लिए सेम है. उसके अलावा जो की सक्सेस फैक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड भी हो सकता है. मसलन अगर इफ सम बिजनेस हैज गॉट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये पर्टिकुलरली आप देखेंगे एफएमसीजीज के केस में, जिस तरह नेस्ले है, उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी कोने में चले जाएं आपको वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं. बट दिस इज़ अ कैपेबिलिटी दैट हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर टाइम. ये बस ऐसे ही नहीं हो गया कि जी उन्होंने फैक्ट्री बना दी और उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर जगह पे पहुंच गई हैं. अगर आप टोबैको इंडस्ट्री की बात करें तो टोबैको इंडस्ट्री के अंदर भी आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नज़र आएगा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स का और डीलर्स का, जो कि एक जो रिटेल एंड तक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो दिस इज़ अगेन अ की सक्सेस फैक्टर. अगर लेट्स से अगर नेस्ले की एग्जांपल है तो उनका जो प्योर लाइफ वाटर है उसको बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये इंश्योर करना कि जब भी कस्टमर को जहाँ पे भी प्यास लगे तो उसके नियरेस्ट आउटलेट के ऊपर वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, दैट इज समथिंग जिसके लिए एक बड़ा एक क्लियर किस्म का बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसेस चाहिए, और इसको रेप्लिकेट करना इतना आसान नहीं है. उसके अलावा एक और अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड देखें तो स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट सेल कैपेबिलिटीज भी हैं, एंड दिस इज समथिंग जिसके ऊपर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो कैपिटलाइज कर सकते हैं.
जो बड़े बिजनेसेस हैं दे स्पेंड हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जी कस्टमर को किस तरह चीज़ें जो सी ना वो बेहतर पे पहुंचाई जा सकती हैं, किस तरह हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं. जबकि जो एक स्मॉल बिजनेस है उसके अंदर द ओनर इज़ द पर्सन जो कि खुद इंटरेक्ट कर रहा होता है कस्टमर्स के साथ. तो उसके लिए जिस एंथुजियाज्म के साथ वो सेल पिच कर सकता है, वो अपने बिजनेस को परसू कर सकता है, शायद उस तरह की मोटिवेशन जो बड़ी कॉरपोरेशंस है उनका सेल्स स्टाफ एंजॉय ना करता हो. सो स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट सेल कैपेबिलिटीज अगेन कैन बी अ की सक्सेस फैक्टर एंड दिस इज समथिंग दैट द स्मॉल बिजनेसेस कैन इजीली कैपिटलाइज अपॉन. उसके अलावा एबिलिटी टू सिक्योर फेवरेबल डिस्प्ले स्पेस और रिटेलर शेल्फ्स. आप लोगों ने शायद नोट किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी पहले हमारी जो ट्रेडिशनल परचून की दुकानें थी, रिटेल शॉप्स थी ग्रॉसरी की, तो वहाँ पे एक काउंटर सा बना हुआ होता था. दुकानदार जो है वो आप उसको बताते हैं और वो जो जो चीज़ें आप कहेंगे वो खुद ही तोल के क्वालिटी दिखाए बगैर पैक करके आपको दे देगा और अब आप पैसे दे देंगे. लेकिन अब सम हाउ फॉर्मेट चेंज हो रहा है, हर शहर में ऑलमोस्ट इस तरह के स्टोर्स खुल गए हैं जिसके अंदर आप आइल्स बने हुए हैं, गलियां सी बनी हुई हैं, सामान शेल्फों पे पड़ा हुआ है, आप ट्रॉली लेते हैं और घूमते फिरते हुए जो जो आपकी ज़रूरत का सामान है वो आप खुद खरीदते हैं और रेंट के ऊपर टिल के ऊपर पैसे पे करके निकल जाते हैं. लेकिन वो जो शेल्फिंग होती है वो भी एक पूरी उसके अंदर एक साइंस इन्वॉल्व है कि जी आपका जो लोअर शेल्फ है, मिडिल के दो शेल्फ हैं, एक टॉप शेल्फ है, जो विजिबिलिटी है वो मिडिल और जो मिडिल वाले दो शेल्फ हैं उनके अंदर मैक्सिमम होती है. तो ये कैपेबिलिटी कि जी आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो चाहिए हमेशा शेल्फ के उस हिस्से में हो जहाँ पे विजिबिलिटी मैक्सिमम है, नाउ दिस अगेन कैन बी योर की सक्सेस फैक्टर कि जी हमारी जो भी प्रोडक्ट है आप किसी आउटलेट में जाएं आपको वो हाई विजिबिलिटी एरिया में मिलेगी, या हमारी प्रोडक्ट आपको किसी भी स्टोर में जाएं उसके लिए हम लोगों ने एक अलग कॉर्नर है जिसके अंदर हमारी अपनी कलर एम्बियंस हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है और वो इजीली आइडेंटिफाइबल है और लोग उसका उसको इजीली आइडेंटिफाई करके उसको परचेज कर सकते हैं. तो दिस कैन अगेन बी अ सोर्स ऑफ सक्सेस एंड इट कुड बिकम अ की सक्सेस फैक्टर. आगे जी अब लोग मूव करते हैं हम लोग मार्केटिंग के केस के अंदर. अगर किसी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है तो दैट अगेन कैन बी की सक्सेस फैक्टर. वट एवर दे इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड अटैचमेंट लोग उसके साथ हुकअप करेंगे. डंकन डोनट्स की एग्जाम्पल ले लें आप. अगर वो किसी भी किस्म का नया डोनट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जस्ट बिकॉज दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डंकिन डोनट्स पीपल नो इट इज गोइंग टू बी ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी एंड दे वुड स्टार्ट बाइंग इट. फास्ट एक्यूरेट टेक्निकल असिस्टेंस, जब भी आपकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो अगर कोई मसला आता है तो ट्रबल शूटिंग आप कितना स्मार्टली करवा सकते हैं, दैट अगेन कैन बिकम अ की सक्सेस फैक्टर. एक्यूरेट फिलिंग ऑफ बाइंग बायर्स ऑर्डर, इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा. टेस्को एक कंपनी है जो कि यूके के अंदर रिटेलिंग करती है एंड इट्स वन ऑफ द टॉप रिटेलर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. तो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया एक सिस्टम जिसमें जिन लोगों के पास स्टोर जाने का टाइम नहीं है शॉपिंग करने के लिए वो घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. अब जब आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं तो उसमें आप सब्जियां भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप गोश्त भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप दाल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स जिनके अंदर से आप सिलेक्शन कर सकते हैं. अब इस चीज़ को इंश्योर करना कि आपने जो जो आइटम जो कि उसमें से कुछ फ्रोजन प्रोडक्ट्स होंगी, जो कुछ रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स होंगी, कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स होंगी जो कि नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर भी सर्वाइव कर जाएंगी, तो इस चीज़ को इंश्योर करना कि ये सारे का सारा ऑर्डर जो है वो ठीक तरह से वेल इन टाइम पैक हो और ठीक तरह से डिलीवर हो, दैट अगेन इज समथिंग दैट नॉट एवरीबडी कैन डू. सो इट मे ऑल्सो बिकम अ की सक्सेस फैक्टर व्हेन वेयर पीपल नो कि जो कंपनी है जो भी मैं ऑर्डर देता हूँ वो उसको 100% हमेशा डिलीवर करवाती है. उसके अलावा कस्टमर गारंटीज कैन बी अनदर सोर्स ऑफ सक्सेस कि जो कंपनीज इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि नो मैटर व्हाट अगर ख़राब होती है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, विल आइदर फिक्स इट फॉर यू और विल गेट इट रिप्लेस्ड.
That is again a key success factor. Now, let me highlight Pakistan ke case ke andar ek huge issue jo aapko umuman market mein nazar aayega ki aap kisi bhi product pe haath lagaye to keemat to dukandar apni marzi ki batata hai, and when you ask ke ji iski kya guarantee warranty hai, unne kaha ji ye to iski ji guarantee warranty koi nahi hai. So just by ensuring कि हम लोग प्रोडक्ट ऐसी ही बेच रहे हों जिसकी हम लोग दो महीने तीन महीने कोई वारंटी ऑफर कर सकें, इट सेल्फ कैन बूस्ट द कस्टमर्स मोरल. और एक दफ़ा वो कस्टमर आएगा एंड यू से कि यार ये दो तीन महीने की हम लोगों ने गारंटी दी है, एंड इफ द प्रोडक्ट गोज वेल नेक्स्ट टाइम रादर देन गोइंग टू अ स्टोर वेयर दे आर नॉट ऑफरिंग एनी गारंटी, यू वुड रादर कम टू यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का की सक्सेस फैक्टर भी हो सकता है और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली स्मॉल बिजनेसेस के केस में हो सकते हैं. उसके अलावा स्किल एंड कैपेबिलिटी भी की सक्सेस फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपकी जो वर्क फोर्स है वो कितनी टैलेंटेड है, वो कितनी एजुकेटेड है, उसका जेनी जो इंटेलेक्चुअल लेवल किस तरह का है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट इनोवेशन कैपेबिलिटीज हैं वो किस हद तक है. हम लोगों ने 3M की अगर एग्जाम्पल लें वो इनक्रेज करते हैं कि उनका जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं, वो चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो उनका प्रोडक्शन का बंदा है, चाहे कोई अकाउंट का बंदा है, वो सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ लें. उनको बाकायदा टूल्स एंड टेक्निक सिखाई जाती हैं, उनको टाइम दिया जाता है अपने आइडियाज़ पर वर्क अपॉन करने के लिए, उनको नेसेसरी रिसोर्स दिए जाते हैं. तो ये जो कैपेबिलिटी डिवेलप की है 3M ने, नाउ दैट इज़ अ की सक्सेस फैक्टर इन देयर बिजनेस, और वो उसको बड़ा इजीली बड़ा अच्छे तरीके से एंड कैश भी करवा रहे हैं और उस पर कैपिटलाइज भी कर रहे हैं. शॉर्ट डिलीवरी टाइम कैपेबिलिटीज कैन बी अ की सक्सेस फैक्टर. इसमें आपको मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा यूके से, जहाँ पे किसी ज़माने में मैनचेस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट चाइना को मूव कर गया. लेकिन वहाँ पर आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई हर्ड कि अभी भी कुछ टेक्सटाइल यूनिट्स काम कर रहे हैं, एंड व्हेन आई इंक्वायर्ड के जी ये कैसे हो रहा है, उनकी कॉस्ट वगैरह तो चाइना में बड़ी सस्ती पड़ती है, एंड आई वाज टोल्ड कि कई ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर क्लाइंट के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो चाइना से प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बाद जो डिलीवरी के अंदर टाइम है उसका इंतज़ार कर सके. लिहाजा कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि स्पेशलाइज इसमें करते हैं कि आप फ़ौरन उनको ऑर्डर दें एंड दे विल स्विफ्टली प्रोसेस योर ऑर्डर, और उसकी वो एक प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं और वो आपको जल्द अज जल्द जो है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि चाइना से प्रोडक्शन करवा के ला रहे हैं आपको प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं. सो शॉर्ट डिलीवरी टाइम कैपेबिलिटी अगेन कैन बी अ की सक्सेस फैक्टर. स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स कैपेबिलिटीज, आपकी वेबसाइट वेब बेस्ड जो बिजनेस हैं, आपकी लोग कितना ईजिली आपको शॉप कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट का इंटरफेस कैसा है, दैट अगेन कैन डिफ्रेंशिएट यू एंड can be considered as a key success factor in certain cases. उसके अलावा जी convenient location जो है वो बड़ा important key success factor हो सकता है. कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि products कई लोग बेच रहे होते हैं, लेकिन just for the sake of location जहाँ पे एक बंदे ने पहले establish कर ली है तो वो उस पर capitalize कर सकता है. So these are the different resources जिसके ज़रिए हम लोग अपने key success factors को establish कर सकते हैं. लेट्स सी कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर की. सबसे पहले हम लोगों ने पैस्टल एनालिसिस को देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, सोशल फोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हैं, एनवायरमेंटल प्रेशर्स हैं, लीगल फोर्सेस हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. तो विदाउट मैपिंग दैम आउट, विदाउट आइडेंटिफाइंग दैम, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इन फोर्सेज के क्या क्या इम्पेक्ट्स हो सकते हैं, हम लोगों की जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है वो साइंटिफिक नहीं हो सकती, और उसके जो सक्सेस के चांसेस हैं इन द लॉन्गर रन दैट मे नॉट बी वेरी ब्राइट. लिहाजा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्वॉट की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स, तो वो समहाउ इंडस्ट्री कंपनी स्पेसिफिक है. लेकिन जब आप पेस्टल एनालिसिस के अंदर अपने आप को इंगेज करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक जो कैनवस है, जो आपका प्ले ग्राउंड है, उसके आपको वेरिएबल्स का आइडिया होता है और उसमें
कई जगह पे आपको वो थ्रेटनिंग सिचुएशन भी लगेगी कि जी लेजिस्लेशन उनसे है ना वो इनकरेज नहीं कर रहा इम्पोर्ट को, लेकिन कई जगह पे आपको वहाँ वहीं पे इसी एनालिसिस के दौरान अपॉर्चुनिटीज भी नजर आएंगी और आपका जो वे फॉरवर्ड है वो ज्यादा साइंटिफिक होगा। उसके बाद हम लोगों ने की सक्सेस फैक्टर्स की बात की। की सक्सेस फैक्टर्स में वी सॉ के मुख्तलिफ किस्म के की सक्सेस फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें आप फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स जो हैं अगर आपका उनका यूटिलाइजेशन का रेट बेहतर है तो ये की सक्सेस फैक्टर हो सकता है, ये आपको डिफरेंशिएट कर सकता है आपके कंपटीशन से। या अगर आपकी लोकेशन बड़ी अच्छी है जिसको लोग रेप्लिकेट नहीं कर सकते तो वो एक की सक्सेस फैक्टर होता हो सकता है अपने बिजनेस के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए कि वो अपने पास्ट एनालिसिस स्वॉट एनालिसिस को देखते हुए फिगर आउट करें कि उनको किस एरिया के अंदर अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी है। की सक्सेस फैक्टर के बारे में लेट्स बी वेरी क्लियर कि ये बस ऐसे ही नहीं बन जाता है, इनके लिए आप पहले मैप आउट करते हैं चीजें और उसके बाद फोकस करके ये वाली कैपेबिलिटीज आप डेवलप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।